ये वीडियो क्लिप हम खुद से लिए हैं, अभी रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं। ये लोकेशन है बनारस का, वाराणसी का, दोनों एक ही जगह यूपी में है। हम और मेरे 5 दोस्त पहुंचे हुए हैं महाकाल की नगरी योगी जी के राज में बनारस घूमने फिरने। सच्ची कहते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश पहुंच के आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्योंकि ये जगह है भगवान शिव जी का, काशी विश्वनाथ। पापा को मनाना इतना टफ था घूमने जाने के लिए दोस्त लोग के साथ, जो कि नेचुरल चीज है यार, पापा को मनाना टफ ही होता है। अब नहीं मानेंगे। अपने बारे में तो बता दे, मेरा नाम रजुआ है, हम एक व्लॉगर हैं, बिहार से हैं, पटना से। चलो तुमको पापा वाला क्लिप दिखाते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। पापा को हम कैसे मना रहे थे बैठ के, पापा बनारस जाना है, और फिर फुर से निकल भी गए। पापा सुबह से बोल रहे हैं, अब सुन नहीं रहे हैं। मम्मी से बोल दिए, हमसे बताया, हमसे सुबह से गुस्सा क्यों है? हमको नहीं बतियाना कहेगा तीनों में से किसे? क्यों, ये क्या बचपना है, सुबह से जीत के हम नहीं बतियाएंगे, नहीं बतियाएंगे। कुत्ता के साथ खेलते रहते हैं जब तक होता है, हम लोग तो बोलते भी नहीं है। पापा क्या बोलो, हमको बनारस जाना है। ना जाना तो हम क्या करें, तो हम क्या करें, जाना तो हमको क्यों सुना रही है? तू जानो मम्मी जाना है, हम नहीं जानते। मतलब हम आपसे बता रहे थे कि जाना है। तो मम्मी को, मम्मी से बात हुआ है, फोन किए थे, मम्मी बोली थी कि पापा से बोल देना है। बात करने से नहीं हो, आने तो मम्मी को बोले ना। मम्मी जब तक आएगी तब तक टाइम हो जाएगा ट्रेन का, कल जाना। मैंने सब आज जा रहा है, टिकट आज का हो गया है, कल जाएंगे, है ना? खा लेंगे चल से, खाएंगे खाएंगे। हम लोग जा रहे हैं, पापा से बात हो गया है। पापा लोग ऐसे थोड़े बोलते हैं कि जा बेटा ऐश कर, पापा लोग बोलते हैं मत जाओ। तुमको उनके फीलिंग से समझ में आता है कि वो सच में चाह रहे हैं कि तुम जाओ या ना जाओ, वो हमेशा ना ही बोलेंगे। भाई आज हम लौंडा बन गए लिटरली, हमको पैकिंग वैकिंग का कोई चिंता ही नहीं है कि हम क्या पैकिंग करेंगे, कौन सा बैग लेके जाएंगे। साबुन रख रहे हैं, देखो मेरे घर में यही साबुन आता है, तो हम यही साबुन रख रहे हैं बैग में अपने। जब हम बहुत प्रेशर में होते हैं ना, हमको उतना ही प्रेशर से सुसु लगता है। अगर हम ट्रेन पकड़ लिया और मेरा चार्जर छूट गया तो हम ट्रेन छोड़ देंगे चार्जर के लिए, इतना चार्जर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्जर नहीं होगा तो व्लॉगिंग नहीं होगा। दादी जा तनी, दादाजी से मिल ले, हमसे गुस्सा है ना वो। सीरो, अरे बाय। भाई लुक तो ऐसे लिए हुए जैसे कि शाहरुख खान ऋतिक रोशन को लंदन नहीं भेज रहा था, परंपरा डैड परंपरा, वही वाला फील आ रहा है मेरे लुक से। बाय दीदी, दीदी जा रहे, बाय। गला तो मिल लो यार, हाथ मिला रही है। दीदी ब्लूटूथ ले जाए, ब्लूटूथ ले जाए, बोलो ना। नहीं जाने के टाइम भी आई हो यार तुम, मम्मी बूट लेट हो रहा, ट्रेन छूट जाएगा। क्यों छेड़ रहे हो तुम, जाओ तिलक लगा लो, तिलक मम्मी लेट हो रहा है, 4 बज गया, जल्दी करो। 5 बजे ट्रेन है, 4 बज चुका। दूध को टीका लगाओगी क्या? पूरा मुँह पे कार्टून मत बना, नहीं तो अच्छा से लगाना। मम्मी अब उसको छोड़ दो, तुम भागना पड़ेगा भाई, हम भाग रहे घर से। मम्मी पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन खुलने के 1 घंटा पहले हम घर से निकले हैं, जबकि स्टेशन पहुंचने में भी 1 घंटा लगता है। लेकिन अगर गंदा फंसे, बहुत गंदा ट्रैफिक हुआ, तब चांस है कि ट्रेन भी छूट जाएगा। यार हम इतना बड़ा आदमी हो गया कि हम ट्रेन छोड़ेंगे? नहीं ब्रो, उसको बड़ा आदमी नहीं, उसको केयरलेस आदमी बोलते हैं, बेवकूफ। यार इन सब में ना एक चीज अच्छा हुआ कि मम्मी आ गई यार निकलते निकलते, और मम्मी तिलक लगा दी। अगर हम बाहर जा रहे घूमने उस टाइम में अगर मम्मी तिलक लगाती है ना, तब जाके वो चीज पूरा होता है, चलो निकल रहा है। नहीं तो मतलब एक सिक्योरिटी हो गया भाई कि अब मम्मी का आशीर्वाद है, तिलक लग गया। रघुनाथपुर में आपका स्वागत है, यात्रीगण शर्मा का। क्या कुछ खाना है? पानी पानी पानी, भैया पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है। खोल जाएगा ट्रेन जल्दी बोलिए। हाँ तो कुछ भी ले आओ, जाओ ले आओ भैया, पानी भी लाइए। ये अरे भाई तुम लोग से शेयर करना पड़ेगा क्या? नहीं हम लोग केक खा लेंगे। हेलो तो बोल दो, ये बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन हम ये नहीं खा सकते। हटाओ तुम्हारे हाथ का बाल दिख रहा है, हटाओ। हाथ का ही बाल दिख रहा है। केक हमको बहुत पसंद है पर हम खा नहीं सकते क्योंकि इसमें एग है। दांत के बीच में गैप कैसे? पूरा इंडिया यही जानना चाहता है, ये मेरी खूबसूरती का राज है। लड़कियों के वीडियो में कमेंट आता है उफ ये आंखें, उफ ये बाल, मेरे वीडियो में कमेंट आता है उफ ये दांत के बीच का गैप। मेरे बीच में नहीं है, इनहेरिटेड है, मेरे पापा के बीच में पूरा 1 दांत बराबर गैप है। लोग कहते हैं कि लकी होता है ये, लोग बहुत पैसा वाला होता है जिसके दांत के बीच में गैप होता है, लेकिन पैसा का इतना कमी है। इतने का साइन है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर पाएगा रजुआ कौन वो दांत के बीच में। मेरा दोस्त बुलाता है एक बार, वो लड़की जिसके दांत के बीच में। हाँ वही 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 वही।
चार घंटे बिता लिए ट्रेन में अभी। हेलो, मैं सबके लिए चार्जर पूरी बनवा के लाए हैं। दादी बना के दिए हैं। भुजिया इधर है। अच्छा भुजिया इधर है। कोई ऐसा भी है जो फर्स्ट टाइम आया बनारस? फर्स्ट टाइम? हम तीन बार आए। अच्छा आप भी फर्स्ट टाइम? बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है तो आपको। बनारस घुमाए थे आप लोग? बनारस घूमने क्यों आए हैं बताइए जरा, बताइए पहले आप बताइए। हमारे पास थोड़ा पूछा, हम आ गए। ये पूछे और आप आ गए? आप क्यों पूछे थे? वो बने थे। वो बने थे। हम हमेशा अपने दोस्त लोग से पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमको व्लॉगिंग करना होता है ना। बारिश हो रहा है भाई, पूरे टाइम आप पीछे खड़े रहे। चेक इन कर लिए होटल काशी विश्वनाथ। नहीं, इसमें चेक इन नहीं किए थे। ये तो होटल बड़ा सुंदर लग रहा था, नाम भी इतना सुंदर है, सोचे रिकॉर्ड कर ले। वो एक अफोर्डेबल सा होटल हम लोग चुन लिए थे, उसमें चेक इन किए, पेमेंट किए, सामान अंदर रखे जाके उसके बाद हम लोग रात को निकल गए मणिकर्णिका घूमने। मतलब आई नो मणिकर्णिका घूमने की जगह नहीं है, जाने और देखने की जगह है भाई। हम लोग को चैन नहीं था रूम में रुकने का। दो दिन के लिए ट्रिप करने को मिला है, इतने टाइम बाद घूमने जाते हैं। ठीक है, लेट से पहुंचे थे वाराणसी, लेकिन रूम पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो हम लोग सब लोग निकल गए रात को घूमने और हम लोग गए मणिकर्णिका घाट। वहां पे जो हुआ वो हम लोग के लिए अनएक्सपेक्टेड था। अब वो जो हुआ उसके लिए एक मणिकर्णिका का एक स्पेशल वीडियो ही है जो हम बनाने वाले हैं, इसलिए उसको उसी में डालेंगे। जैसे ही डालेंगे उस व्लॉग का लिंक भी हम नीचे मेंशन कर देंगे, आप वहां से जाके डायरेक्ट देख पाओ। पार्ट टू भी देखने का मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और वाराणसी का ये व्लॉग अपने उन दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना जिनके साथ वाराणसी जाने का प्लान तो बना रहे हो लेकिन प्लान पूरा नहीं हो पा रहा है।